यार भाइयों, मैंने कुछ टाइम पहले एक ये वाला ब्लोवर खरीदा था और इसके अंदर यहाँ पर वायर लगी हुई थी जिसे हम 220 वोल्ट में लगाते थे और ये चलना स्टार्ट हो जाता। लेकिन यार इसमें कुछ टाइम मैंने चलाया, उसके बाद इसकी जो मोटर है वो जल चुकी थी। उसके बाद यार नॉर्मल इंसान क्या करेगा, एक बार जल जाता है तो या तो इसको कबाड़े में बेच देता है या फिर इसको अटाले में डाल देता है। लेकिन यार अपना जो दिमाग है ना वो कबाड़े के लिए नहीं बनाया हुआ। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस खराब वाले ब्लोवर को यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला हम यहाँ पर कोर्डलेस बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने देख सकते हो एक बैटरी अटैच कर रखी है और इसके अंदर मैंने दूसरी मोटर डाली 775 डीसी मोटर, जिसके कारण ये जो है अब यहाँ पर कोर्डलेस बन चुका है। इसमें कोई अटैच नहीं करने पड़ेगा आपको। 220 वोल्ट ये 12 वोल्ट पे चलता है और इसका जो प्रेशर है ना यार बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके अगर कभी ख़राब हो जाता है ब्लोवर तो आप उसको फेंकना मत, या फिर अगर आपको बनाना है तो किसी पुराना वाला ले सकते हो जिसकी मोटर जली हुई है और उसको यहाँ पर कोर्डलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो चालू करते हैं। मेरा नाम विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धारून यहाँ पर। तो फ्रेंड, ये जो खराब वाला ब्लोवर है इसको हमें खोलना होगा यहाँ पर सबसे पहले, और इसके अंदर जो जली हुई मोटर है उसको हम निकाल देंगे और उसी जगह पर दूसरी मोटर के लिए जगह बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर। भाई हमारा पूरा ब्लोअर यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो इसके पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो इसका आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो है इसको हमें यूज़ में नहीं लेना क्योंकि ये ख़राब वाली है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पूरी बॉडी है हम यहाँ पर यूज़ में लेने वाले हैं। इसका जो स्विच है ये भी हम इसके अंदर लगाएंगे इसे ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये स्विच भी हमें फेंकना नहीं है यहाँ पर। इसकी जो केबल है वो हम यहाँ पर हटा देंगे, आप कहीं दूसरी जगह पर लगा लेना उसको। तो इसके अंदर कौन सी मोटर लगाने वाला हूँ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर हम मोटर कौन सी वाली यूज़ करेंगे वो आपको पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी मोटर्स पड़ी हुई देख सकते हो, यहाँ पर 775 डीसी मोटर्स पड़ी हुई है और 575 मोटर भी पड़ी हुई है और भी बहुत सारी मोटर्स पड़ी हुई है इसके अंदर। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 775 डीसी मोटर। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो टाइप की 775 डीसी मोटर्स पड़ी हुई है, एक तो यहाँ पर हाई आरपीएम वाली और एक थोड़ी लो आरपीएम वाली है। ये जो लो आरपीएम वाली इसकी रेट थोड़ी सस्ती है, ये वाली थोड़ी महंगी है, इसके लगभग 14,000 आरपीएम है जो काफ़ी ज़्यादा है और इसके आरपीएम लगभग 7,000-8,000 आरपीएम के आसपास है। तो हम यहाँ पर हाई आरपीएम वाली का यूज़ करेंगे। आपको मैं पहले चला के दिखा देता हूँ कौन सी वाली कितनी पावर वाली मोटर है हमारे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो ये ज़्यादा आरपीएम वाली मोटर है मेरे पास पुरानी पड़ी हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी काली हो चुकी है और ये थोड़ी नई है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले। और इसको चलाने के लिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। इस टाइप की बैटरी है मेरे पास 12 वोल्ट की बाइक की, तो आप साउंड सुन के पता लगा सकते हो इसका आरपीएम। ये हमारी जो लो आरपीएम की मोटर है इसका आरपीएम का आपने साउंड सुना अभी, और यहाँ पर जो हाई आरपीएम की मोटर है इसका साउंड सुन सकते हो आप अभी। हाल इसको चलाता हूँ। तो अभी आपने साउंड सुना और साउंड सुन के आपको पता लग गया होगा कितने आरपीएम की हमारी, ज़्यादा आरपीएम की। तो यहाँ पर इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो भाई अब हमारी जो मोटर है इसको यहाँ पर इस टाइप से फिट करना होगा हमें, जिससे हम यहाँ पर इसको लगा देंगे और उसके बाद जो हमारी बॉडी है इसके अंदर इस टाइप से इसको अंदर फिट कर देंगे हम। तो इसको यहाँ पर फिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप से बाहर निकालेंगे और दो होल कर देंगे जिसमें हमारे स्क्रू लगाकर इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें होल कर लेते हैं अब। भाई यहाँ पर हमने मोटर को इस टाइप से अटैच कर दिया इसके अंदर, यहाँ पर देख सकते हो मजबूती से अटैच कर दिया है। अब हमें इस फैन को यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो होल है काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज का है और हमारी जो शाफ्ट है वो थोड़ी पतली साइज की, यहाँ पर ये 5 mm की इसके अंदर शाफ्ट है। तो हमें क्या करना होगा, इस शाफ्ट को थोड़ा मोटा करना होगा। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक 2 रुपये वाला जो पेन आता है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और इसको लेने के बाद मैंने एक टुकड़ा कट कर लिया है इसका, इस टाइप का देख सकते हो, और इसके बीच में यहाँ पर 5 mm का एक होल कर लिया है। तो हमें क्या करना होगा, जो 5 mm की शाफ्ट है इससे थोड़ा हल्का सा छोटे साइज का होल करना है, इसमें ज़्यादा छोटा भी नहीं थोड़ा हल्का सा, ताकि इसके अंदर ये अच्छे से टाइट आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से लगा देता हूँ और उसके बाद हमारे जो प्रोपेलर इसको इस टाइप से यहाँ पर अटैच कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके ऊपर ठोक देते हैं इसको।
तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इसको इस टाइप से ठोक दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर इस टाइप से लगाना है हमारे फैन को। लेकिन हम इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, इस टाइप की जो इपोक्सी ग्लू आता है जैसे बोन टाइट है या फिर कोई हमारे बहुत सारी टाइप के मार्केट में मिलते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो और इसके द्वारा इसको यहाँ पर इस टाइप से चिपका देंगे ताकि ये बार बार निकले ना, क्योंकि इसके RPM काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है अंदर की साइड में। तो गाइस फाइनली हमारा फैन यहाँ पर अच्छे से लग चुका है, सूख चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक दिन के लिए इसे छोड़ा था, मैंने ड्रेस वो भी चेंज हो चुकी है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से सूखने के बाद ही इसको ट्राई करना, क्योंकि ये अगर अच्छे से नहीं सूखेगा तो ये निकल सकता है, क्योंकि इसके RPM बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद इसको यहाँ पर पैक कर लेंगे, उसके बाद इसके मोटर की हम वायरिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको पैक कर देते हैं। भाई यहाँ पर इसकी वायरिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो वायर आप यूज़ करोगे थोड़ा मोटा वाला यूज़ करना है, क्योंकि अगर पतला वाला वायर यूज़ करोगे तो ये जो काफ़ी ज़्यादा एम्पियर खींचती है मोटर, तो ये हमारी वायर को जला देगी और आपका मशीन बाद में ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, थोड़ा मोटा वाला वायर अच्छी क्वालिटी का आपको यूज़ करना है। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, लेकिन बैटरी से पहले मैं आपको इसको वायरिंग का समझा देता हूँ एक बार। ज़्यादा कोई मुश्किल वायरिंग नहीं है। मैंने यहाँ पर दो हमारी मोटर के अंदर वायर जोड़े, एक वायर तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर छेद करके निकाल लिया है और एक वायर जो था हमारे पास उसको क्या किया है कि यहाँ से लेकर इस जगह से घुसाया और यहाँ से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर इस टाइप से, और उस स्विच से लेकर वापस यहाँ से निकाल के यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो मतलब दो वायर थे, एक वायर डायरेक्ट इस टाइप से निकल गया और एक वायर के बीच में कट लगाकर इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। बस सिंपल था, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर इसके अंदर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऑप्शन जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, और मैं कौन सा वाला लगाने वाला हूँ वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। भाई यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इस टाइप की 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर सकते हो आप, जो मोटरसाइकिल की बैटरी होती है उस टाइप की। ये लगभग आपको 800-900 रुपए के आसपास मिल जाएगी इजीली, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको अगर आप अटैच करोगे इसके साथ में तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वायर को डायरेक्ट इस टाइप से कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हो, जिससे थोड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर लिपो बैटरी कनेक्ट करने का। ये जो बैटरी होती है काफ़ी हल्की होती है, छोटी होती है और पावर भी काफ़ी अच्छा होता है इसका। तो आप इसको इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पर कोई केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इस टाइप से अटैच करके यहाँ पर इसको चिपका सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको चार्ज करने के लिए आपको चार्जर लेना पड़ेगा, वो थोड़ा महंगा आएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि थोड़ी महंगी मिलता है, लगभग ये 1200-1300 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। तो ये जो ड्रोन की मोटर होती है उसको ड्रोन को चलाने के लिए बैटरी का यूज़ लिया जाता है, ये हल्की होती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पैसा हो तो, नहीं करना हो तो कोई बात। तो तीसरा हमारा ऑप्शन ये है कि आप लिथियम आयन बैटरी जो होती है उनका यूज़ कर सकते हो। 3.7 वोल्ट की एक बैटरी होती है, अगर आप तीनों को मिलाओगे तो लगभग आपको फुल चार्ज में 12 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा इजीली, और ये थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि पुराने लैपटॉप की बैटरीज होती है उनके अंदर से निकाल सकते हो आप और इनका यूज़ में कर सकते हो। इनको सीरीज में कनेक्ट कर लेना जिससे 12 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इसको चार्ज करने के लिए BMS की ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो थोड़ा महंगा आएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और रिंजा बैटरीज का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं जो लगाने वाला हूँ इन तीनों को नहीं लगाने वाला। तो भाई अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कोडली ड्रिल मशीन लूंगा और इसकी जो बैटरी होती है इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो लिथियम आयन बैटरी सेल जो होते हैं उसी टाइप की बैटरीज होती है, लेकिन उसके अंदर BMS भी लगा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास BMS नहीं है अभी, इसलिए मैंने इनका यूज़ नहीं लिया है। आपको ये वाला यूज़ करना, मैं लिंक दे दूंगा BMS की और इन बैटरीज की भी, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और इन सारी बैटरीज का दे दूंगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसके पीछे की साइड में यहाँ पर इसको अटैच करना है, लेकिन हम कैसे अटैच करेंगे कि इसको हम खोल भी सके और बाद में लगा भी सके, क्योंकि हम दोनों के अंदर इसी बैटरी का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारी ड्रिल मशीन है
इसी टाइप का एक सर्किट इस टाइप का बनाना होगा ताकि इसको यहाँ पर इस टाइप से अटैच कर दें, और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम यहाँ पर खोल के ड्रिल मशीन में ले लेंगे, और अगर हमें ब्लोअर से काम होगा तो हम इसको ब्लोअर के अंदर लगा देंगे। तो फटाफट से इसका यहाँ पर जुगाड़ बना। तो भाई यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है, और ये मैंने जो पाइप होता है हमारा कास्ते का पाइप उसको गर्म करा गैस पे, और इस टाइप की शीट बनाकर इस टाइप के टुकड़े कट कर लिए कुछ। और अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको इसके आकार में कट करूँगा और यहाँ पर इसका एक स्लॉट टाइप का बनाएंगे ताकि हमारी इसके अंदर फंस जाए। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। गाइस फाइनली हमारा ये स्लॉट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप। इसको इस टाइप से हम लगाएंगे और यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। अब क्या है कि आउटपुट लेने के लिए हमें यहाँ पर एक स्लॉट बनाना होगा जिससे हम आउटपुट ले सके इसका। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लकड़ी ली है इस टाइप की, और इस लकड़ी को कट करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का आप देख सकते हो, एक यहाँ पर लकड़ी ली है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लकड़ी है हमारी, इसको नीचे की साइड से मैंने यहाँ पर चार कट लगा दी जो हमारे इस कट के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पर दो पत्तियाँ लगा दी लोहे की जो हमारे इसके अंदर इस टाइप से घुस जाएगी, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसके पीछे की साइड में यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से हम अटैच कर देंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर हम इस पर सोल्डरिंग कर सकते हैं हमारी वायर को। तो यार भाइयों हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको फेविक्विक से चिपका दिया अच्छी मजबूती से ताकि निकले नहीं, और यहाँ पर वायरिंग इस टाइप से छिपा दी है मैंने। ठीक है, अब हमारी जो बैटरी है इसको यहाँ पर अटैच करना है हमें, यहाँ पर इस टाइप से लगाएंगे और यूँ दबा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो यार कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हमने इसमें जुगाड़ कर रखा है। और रखने की बात करें तो यहाँ पर इस टाइप से रख सकते हैं इसको, ये इधर उधर घूमेगा भी नहीं। अब यहाँ पर इसको चलाकर देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते ये, बाप रे कितनी ज़्यादा पावर से चल रहा है यार। अब यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डस्ट नहीं है हमारे रूम के अंदर। इसके लिए हमें बाहर जाना होगा, और बाहर जितनी भी डस्ट है उसको उड़ाकर देखेंगे, और इसका जो प्रेशर है वो आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो चलते फटाफट से बाहर। सो गाइस हम आ चुके हैं बाहर, और अब यहाँ पर इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें बैटरी को अटैच कर देते हैं इस टाइप से, और अब हमारा ये काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यार भाइयों अभी क्या है कि सुबह पहले बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पर बारिश हो चुकी थी, जिसके कारण क्या है कि जितनी भी धूल मिट्टी वो सारी जम चुकी। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमने जो यहाँ पर ब्लोअर बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मिट्टी को उखाड़ के उड़ाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करते हैं, चला कर देखते हैं। ठीक है, ओ यार इसने इसको बोल दिया यार। चलो एक बार और चला दे। ओ भाई तो यार भाई अभी यार इतनी स्पीड से चल रहा है कि इसके जो सामने के साइड में जो हमने लगा रखा है प्रेशर बनाने के लिए, ये खुल जाता है इसके सामने से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यार मिट्टी को, मतलब मिट्टी यहाँ पे गीली थी और यहाँ पर जम चुकी थी, इसके बाद यहाँ पर इसने इतनी प्रेशर से लगाया कि ये पूरी मिट्टी यहाँ से उखड़ के बाहर निकल चुकी है। मेरे को भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रेशर लगा पाएगा। आपको एक बार और चला के दिखाता हूँ मैं इसको, इसको यहाँ से थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार निकल रहा है यहाँ पर। यार रियली में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा, और देख सकते हो मैं पूरा का पूरा गंदा हो चुका हूं यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मजा नहीं आता। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय रेडी।